मैं द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई का दिन हर एक देशवासी के लिए बेहद खास रहा। द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को नया राष्ट्रपति जो मिल गया। हालांकि इन सब के बीच द्रौपदी मुर्मू का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस राष्ट्रपति को हम द्रौपदी मुर्मू के नाम से जानते हैं उनका असली नाम द्रौपदी है ही नहीं, और इस बात का खुलासा खुद द्रौपदी ने इसी इंटरव्यू में किया था जिसकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब सवाल ये कि द्रौपदी का असली नाम अगर द्रौपदी नहीं है तो फिर क्या था, और उनका नाम किसने बदला, क्यों बदला? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। दरअसल इंटरव्यू में मुर्मू ने बताया था कि ये जो नाम है द्रौपदी, ये महाभारत की द्रौपदी के नाम पर रखा गया था और ये नाम उनको उनकी स्कूल की टीचर ने दिया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई की माने तो ये इंटरव्यू ओडिशा की एक वीडियो मैगजीन को कुछ समय पहले दिया गया था। इंटरव्यू में मुर्मू बताती हैं कि संथाली, जो कि ओडिशा समेत कई राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है, उसके हिसाब से उनका नाम पुती था, लेकिन उनकी स्कूल टीचर ने इस नाम को बदल दिया था। इंटरव्यू में मुर्मू कहती हैं, द्रौपदी मेरा असली नाम नहीं है, ये स्कूल टीचर ने दिया था जो कि मयूरभंज में किसी दूसरे इलाके से पढ़ाने आती थी। मुर्मू बताती हैं, 1960 के दशक में मयूरभंज जिले में टीचर्स नहीं थे, इसलिए पढ़ाने के लिए टीचर बलसोर और कटक इलाके से आते थे। इंटरव्यू में मुर्मू ने कहा, टीचर को मेरा पुराना नाम पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे बदल दिया। मुर्मू ने बताया कि पहले उनके नाम की स्पेलिंग द्रौपदी और फिर द्रौपदी हुई, लेकिन बाद में इसको द्रौपदी कर दिया गया। आपको बताते चलें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने संसद के सेंट्रल हॉल में द्रौपदी मुर्मू को 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई। मुर्मू के रूप में देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिला है। 64 साल की मुर्मू भारतीय इतिहास की सबसे युवा प्रेसिडेंट भी हैं। बताते चले 1958 में ओडिशा के मयूरभंज में ही मुर्मू का जन्म हुआ था। उसके बाद वो राजनीति में उतरी और उसके बाद से ही उनका सियासी सफर चला आ रहा है, लेकिन अब चूंकि वो राष्ट्रपति बन गई हैं तो उनको लेकर, उनकी जिंदगी को लेकर कई किस्से वायरल हो रही हैं और उनमें से एक किस्सा उनके नाम को लेकर भी था। तो ऐसे में अगर अगली बार आपसे कोई पूछे कि द्रौपदी मुर्मू का असली नाम क्या है तो याद रखिएगा, उनका असली नाम पुती था लेकिन उनकी स्कूल टीचर ने इसको बदल दिया था। जाते जाते आपको द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह के उस पोर्शन के साथ छोड़े जा रही हैं जिसमें वो शपथ लेती हुई नजर आई, वो आप सुनिए। और इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। समस्त नागरिकों की आशा आकांक्षा और अधिकारों के प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूं।
आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जो देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। ऐसे ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृतकाल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता दो पटरी पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य के नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और सुजन, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुराने लीक से हटकर नए रास्ते पर
चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। देवियों और स्वजन, मेरे सामने भारत के राष्ट्रपति पद की ऐसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का निरंतर मजबूत किया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद जी तक अनेक विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस पद के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी मुझे सौंपा है। संविधान के आलोक में मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगी। मेरे लिए भारत के लोकतांत्रिक सांस्कृतिक आदर्श और सभी देशवासी हमेशा मेरे ऊर्जा के स्रोत रहेंगे।